नमस्कार, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मेंडल का अनुवांशिकता का सिद्धांत। मेंडल का अनुवांशिकता का सिद्धांत एंथ्रोपोलॉजी यानी मानव विज्ञान वैकल्पिक विषय के अंतर्गत एक चैप्टर है जो कि यूपीएससी बीपीएससी परीक्षाओं में हमेशा पूछा जाता रहा है, आगे भी पूछे जाने की संभावना है। इसके साथ ही यह मेंडल का जो सिद्धांत है, तमाम सारे जो विज्ञान के विद्यार्थी हैं या फिर जो आर्ट्स के भी विद्यार्थी हैं उनके लिए भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। यहाँ तक कि अगर विज्ञान की बात करें तो मेडिकल परीक्षाओं में भी मेंडलवाद से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो आज हम मेंडल के नियम को भली भांति प्रकार से समझेंगे कि मेंडल क्या है। और अगर मेंडल की बात करें तो इन्होंने सबसे पहले अनुवांशिकता का सिद्धांत दिया था। जैसा कि आपने देखा होगा, गौर किया होगा कि हमारे सारे जो गुण होते हैं, लगभग सारे जो गुण होते हैं वो माता पिता से मिलते जुलते हैं। या फिर किसी भी जीव को ले लें, किसी भी जीव जंतु को ले लें, तो उनके भी गुण जो है वो माता पिता से मिलते जुलते हैं। तो माता पिता का गुण जो है पीढ़ी दर पीढ़ी जो उसके वंशजों में गमन करता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं अनुवांशिकता या फिर इनहेरिटेंस ऑफ हेरिडिटी। जो अनुवांशिकता का गमन होता है पीढ़ी दर पीढ़ी, इस सिद्धांत को सबसे पहले मेंडल ने समझाया था कि ऐसा क्यों होता है और किस कारण से होता है। तो आइए हम अनुवांशिकता के सिद्धांत को पढ़ेंगे और उसके तहत यह जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे जो है कि मनुष्य का बच्चा जो है मनुष्य होता है, या किसी भी जीव जंतु का बच्चा उसी जीव जंतु के मुताबिक होता है, दूसरा नहीं होता है। तो मेंडल की अगर हम बात करें तो यह मेंडल का सिद्धांत जो है वो अनुवांशिकता का सिद्धांत कहलाता है, जिसमें बताया गया है इनहेरिटेंस ऑफ हेरिडिटी, जो वंशागति का जो गमन होता है वो किस प्रकार से गमन होता है उसके बारे में। तो ये जॉन ग्रेगर मेंडल हैं, ऑस्ट्रिया के निवासी थे और 1822 में इनका जन्म हुआ था, 1884 में इनका निधन हुआ था। इन्होंने मटर के पौधों पर किए गए प्रयोगों के माध्यम से दुनिया के सामने इस सिद्धांत को रखा कि किस प्रकार से जो माता पिता के गुण हैं, जो अनुवांशिक गुण हैं, वह उसके संतति में या उसके वंशजों में गमन करता है। हालांकि मेंडल के इस सिद्धांत को उस समय मान्यता नहीं मिल पाई थी जब इन्होंने इस सिद्धांत को खोजा था, इस सिद्धांत का आविष्कार किया गया था। क्योंकि तत्कालीन समय में डार्विन का डार्विनवाद का इतना ज़्यादा शोर था कि उस समय मेंडल के सिद्धांतों को अनदेखा कर दिया गया और मेंडल की मृत्यु के बाद ही जो इसके उत्तराधिकारियों ने या डार्विन के सिद्धांतों में जो दोष पाए गए थे, उन सिद्धांतों को दोषों का निराकरण करने में जब देखा गया कि मेंडल के सिद्धांत की काफ़ी उपयोगिता है, और उसके बाद ही मेंडल के सिद्धांतों को मान्यता मिल पाई थी। तो मेंडल ने जो अपना सिद्धांत दिया था वह 1866 में उनके द्वारा एक पेपर जो प्रकाशित किया गया था, एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। तो इसी पुस्तक में मेंडल ने अपने जो मटर के पौधों के ऊपर किए गए प्रयोग और उनसे निकले निष्कर्ष और उस निष्कर्षों के आधार पर अनुवांशिकता का सिद्धांत दिया था। तो आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि मेंडल का जो नियम है, मेंडल का जो अनुवांशिकता का नियम है वो किस प्रकार से है। तो मानव विज्ञान विषय के अंतर्गत जो जेनेटिक्स चैप्टर है उसके अंतर्गत एक मेंडलवाद आता है जिसको कि मेंडेलियन थ्योरी या मेंडेलियन इनहेरिटेंस भी कहा जाता है। पहले भाग में हम पढ़ेंगे कि मेंडल का अनुवांशिकता का क्या सिद्धांत था, और दूसरे भाग में हम पढ़ेंगे कि मानव जनसंख्या पर जो मेंडल का सिद्धांत है इसकी क्या उपयोगिता है। दो भाग में इस प्रश्न को आज हम करेंगे। पहले भाग में मेंडल के अनुवांशिकता सिद्धांत देखेंगे और दूसरा जो है कि मानव जनसंख्या पर मेंडल के सिद्धांत की क्या उपयोगिता है इसको देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम मेंडल का सिद्धांत को देखते हैं। तो जीवों में माता पिता का गुण संतानों में गमन करता है। जो भी जीव जंतुओं के गुण होते हैं वह उसके
संतानों में गमन करता है और इस प्रकार के गुणों का जो गमन करने की क्रिया जो होती है और उसका जो परिणाम होता है उसे हम आनुवंशिकता कहते हैं, यानी हेरिडिटी कहते हैं। और यह पीढ़ी दर पीढ़ी पूर्वजों का गुण उसके वंशजों में संचरण होता रहता है। प्रत्येक जीवों के अधिकांश गुण समान होते हैं, प्रत्येक जीव जो होते हैं उनके अधिकांश गुण समान होते हैं। जैसे मानव है तो मानव के जो शारीरिक जो बनावट है, इनकी बोल चाल या व्यवहार करने का जो तरीका है, आदत है, क्षमता है, वो लगभग बराबर होते हैं। कुछ कुछ डिफरेंसेज भी होते हैं, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, जो मेंडल के सिद्धांत से बाहर की बात है। तो इसका जॉन ग्रेगर मेंडल 1866 में मटर के पौधों के ऊपर, मटर के पौधों पर किए गए प्रयोग के आधार पर आनुवंशिकता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और इसके लिए इन्होंने मटर के 7 जोड़ी गुण को लिया था। 7 जोड़ी गुण कौन कौन से गुण लिए वो आगे के स्लाइड में हम चर्चा करेंगे, परंतु 7 जोड़ी गुणों को लेकर उस पर जो है प्रयोग किया था और उससे निष्कर्ष निकाले थे। आनुवंशिकता के संबंध में इनके जो सिद्धांत है उसका महत्व इस प्रकार से हम निर्धारित कर सकते हैं कि इसे आनुवंशिकता का पिता या फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। मेंडल के इन्हीं खोजों के कारण इन्हें आनुवंशिकता का पिता या फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। इसके लिए मेंडल ने 2 प्रयोग किए और 2 प्रयोगों के सहारे इन्होंने 3 नियम दिए। 2 प्रयोग के माध्यम से इन्होंने 3 नियम दिए। तो सबसे पहले हम चलते हैं पहला प्रयोग पर कि मेंडल का पहला प्रयोग क्या था। ये देखिए पहला प्रयोग में मेंडल द्वारा मटर के 2 प्रकार के पौधे, मतलब मटर के 2 गुणों को लिया गया। मटर के 2 प्रकार के पौधे, एक लंबा और दूसरा बौना, के बीच संकरण कराया। मटर के 2 पौधे, एक लंबा पौधा और एक बौना पौधा के बीच जो है संकरण करवाया, मतलब हाइब्रिडाइजेशन करवाया। तो पहली पीढ़ी, इस संकरण के पश्चात जो पहली पीढ़ी थी, तो प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे लंबे पर। अब सवाल उठता है एक बौना पौधा कहां चला गया, तो हम देखेंगे। तो प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए और ये जो प्रथम पीढ़ी के पौधे थे उसको फिर से आपस में संकरण करवाया। तो दूसरी पीढ़ी के पौधे में 2 प्रकार के पौधे प्राप्त हुए, लंबे पौधे भी प्राप्त हुए और बौने पौधे भी प्राप्त हुए, जिसका अनुपात 3:1 था। यानी 4 पौधे में से 3 पौधे लंबे थे और 1 पौधे बौने थे। अब कारण क्या था? तो प्रथम पीढ़ी में जो सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए थे, ऐसा क्यों हुआ? और जब द्वितीय पीढ़ी में देखे तो लंबे और बौने दोनों प्रकार के पौधे प्राप्त हुआ। तो वास्तव में मेंडल ने यह बताया कि प्रथम पीढ़ी में लंबा पौधा जो है उसका गुण प्रभावी हो गया, मतलब उसका गुण डोमिनेंट हो गया, वो ऊपर आ गया। और यही कारण है कि डोमिनेंट गुण वाले सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए और जबकि बौना पौधा जो है यह प्रभावी रह गया, रिसेसिव रह गया, जिसके कारण प्रथम पीढ़ी में बौने पौधे, प्रथम पीढ़ी में बौने पौधे 1 भी प्राप्त नहीं हुए। अब जब इन्हीं को आपस में पुनः संकरण करवाया गया तो द्वितीय पीढ़ी में क्या हुआ कि बौना वाला जो गुण जो प्रथम पीढ़ी में छुप गया था, मतलब दब गया था, रिसेसिव रह गया था, वो जो है फिर से डोमिनेंट हो गया। और डोमिनेंट हो जाने के कारण इस बार लंबे पौधे के साथ साथ बौने पौधे भी उभर कर सामने आए। तो लंबे और बौने दोनों तरह के पौधे हुए, जिसको हम देखें तो जो फिनोटाइप रेशियो है, फिनोटाइप उसको बोलते हैं जो बाहरी रूप से देखने में लगता है। तो बाहर से देखने में जो लग रहा था वो लग रहा था 3:1, और अगर इसको जीनोटाइप रेशियो देखेंगे तो वह था 1:2:1। यानी कहने का मतलब है एक जो है ये शुद्ध लंबा था, इधर वाला एक जो है वो शुद्ध बौना था, और 2 जो है मिश्रित था। यानी कहने का मतलब है ये 2 पौधे जो थे मिश्रित वाले, इसमें लंबे वाले भी
और बोने वाले भी गुण सम्मिलित रूप से थे, जो आगे की पीढ़ियों में जाके पुनः डोमिनेंट या रिसेसिव हो सकता है। इसको हम फिगर के माध्यम से समझते हैं। ये देखिए, लंबे पौधे और बौने पौधे दो प्रकार के। चूंकि इधर जो होता है, बाद में हालांकि पता चला क्रोमोजोम का जोड़ा में होता है, सिंगल सेट नहीं होता है, डबल सेट होता है, इसीलिए इसको हम टी टी से सूचित करेंगे। तो लंबे पौधे हैं तो इसको कैपिटल टी से सूचित करेंगे, और जो बौने पौधे हैं तो बौने को तो ऐसे उसका इंग्लिश होता है ड्वार्फ, तो ड्वार्फ को डी से सूचित नहीं करके समानता दर्शाने के लिए इसको हम स्मॉल टी से सूचित करेंगे। तो ये लंबे पौधे और ये बौने पौधे मटर के पौधे हैं, इसको संकरण करवाए। तो संकरण करवाए तो दोनों तरफ के गुण मिले, परंतु ये जो लंबा पौधा वाला गुण था वो प्रभावी हो गया और बौना पौधा का गुण अप्रभावी हो गया। यही कारण है कि लंबा पौधा का गुण डोमिनेंट होने के कारण और बौना पौधा का गुण रिसेसिव हो जाने के कारण पौधा जो हुआ वो लंबा प्राप्त हुआ। ये किस पीढ़ी में? ये F1 यानी प्रथम पीढ़ी में। टीटी प्रभावी हो गया और स्मॉल टीटी अप्रभावी हो गया। अब ये जो प्रथम पीढ़ी में जो प्राप्त हुए पौधे, उनके बीच पुनः संकरण करवाया गया। उन्हीं पौधों को एक तरफ इधर ले लिया गया, एक तरफ इधर ले लिया गया और उसको संकरण करवाया गया। तो इसमें जो फैक्टर मिले हुए हैं उसके आधार पर इसमें जो चार तरह के पौधे, चार का जो रेशियो है वो इस प्रकार से प्राप्त हुआ कि अगर ये टी और ये दोनों टी एक साथ मिला तो दोनों कैपिटल कैपिटल टी हो गया, यानी ये जो है पूरी तरह से शुद्ध लंबा हो गया। उसके बाद ये टी और ये टी, तो इसमें दोनों प्रकार के फैक्टर हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी का, मतलब लंबा मटर के पौधा और बौना मटर के पौधा। उसी प्रकार ये टी और ये टी लिए तो टी टी हो गया, यह भी इसमें दोनों प्रकार के गुण हैं, और इसको अगर लिए तो दोनों ही स्मॉल टी हो गया, मतलब यहाँ शुद्ध बौना हो गया। तो इस तरह से देखने में ये तीनों पौधा लंबा है, क्योंकि यहाँ पर जो कैपिटल टी है और यहाँ पर जो कैपिटल टी है, तो ये डोमिनेंट हो रहने के कारण क्या हुआ कि ये तीन पौधे जो है वो लंबा प्राप्त हुआ, और यही कारण है कि जो फिनोटाइप रेशियो है वो 3:1 का था, मतलब तीन पौधा लंबा था और एक जो है बौना प्राप्त हुआ। परंतु उसके अंदर अगर उसका हम जेनेटिक सेटअप देखें तो इसका जो है जीनोटाइप रेशियो वो 1:2:1 था, मतलब एक ये शुद्ध लंबा, दो जो था मिश्रित लंबा, अरे देखने में ऊपर से लंबा है लेकिन अंदर में दोनों गुण हैं, और ये जो है जो स्मॉल टी है मतलब ये शुद्ध रूप से बौना। तो ये जो है मेंडल का पहला प्रयोग था, और पहला प्रयोग से जो निष्कर्ष निकला उसको हम आगे देखते हैं। देखिए, मटर के पौधे हैं, मटर के पौधे पर प्रयोग करवाया गया था, और 7 जोड़ी जो गुण थे वो इस प्रकार से थे। कलर का रंग, जो कॉन्ट्रेस्टिंग ट्रेट्स था वो वायलेट एंड वाइट, और ऑफ स्प्रिंग ट्रेट्स यानी जो उसके वंशज हैं, जो उसकी अगली पीढ़ी है, वहाँ पर वायलेट हो गया। उसी प्रकार फ्लोवर का पोजीशन, कहाँ पर फूल है, फिर जो है प्लांट का लंबाई, जो पौधे की लंबाई है मटर के पौधे का, फिर बीज कैसा है, झुर्रीदार है या प्लेन है, उसके बाद सीड का कलर, जो बीज का क्या रंग है, और उसके अलावा ये जो मटर का जो पॉड है उसका टेक्सचर क्या है, और इसके अलावा मटर पॉड का कलर। तो ये 7 जोड़ी गुणों को लिया गया। प्रथम प्रयोग के आधार पर मेंडल ने कुछ निष्कर्ष निकाले थे। तो प्रथम प्रयोग को अगर फिगर के माध्यम से देखें तो ये टॉल एंड शॉर्ट, और इस तरह से प्रथम पीढ़ी जो F1 था, F1 में सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए। F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए, और उसी को फिर जो प्रथम पीढ़ी के पौधे, इसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाया गया, तो क्या हुआ कि 3 पौधे लंबे और 1 बौने पौधे प्राप्त हुए, और इस तरह से जो रेशियो था वो 3:1 का था। तो एक्चुअल में मेंडल का जो प्रयोग था
तो वो 787 टॉल पौधे थे और 277 शॉर्ट पौधे थे, और जो रेशियो था, जो जीनोटाइपिक रेशियो, वो 2:84:1 इस प्रकार से था। यानी कहने का मतलब है कि ये तो जो रेशियो है तो दो प्रकार के, एक फिनोटाइप रेशियो 3:1 और जीनोटाइप रेशियो 1:2:1। तो ये पहला प्रयोग था। तो प्रथम प्रयोग के आधार पर मेंडल ने जो कुछ निष्कर्ष निकाले उसको हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि पहला तो ये है कि कोई भी गुण दो कारकों से निर्धारित होता है। कारक मतलब फैक्टर। बाद में इसी फैक्टर को जीन शब्द दिया गया, जो कि हमारे अनुवांशिक गुणों का वाहक होता है, या फिर डीएनए जो अनुवांशिक गुणों का हमारा वाहक होता है। तो ये फैक्टर जो है, तो इनमें से एक फैक्टर माता की तरफ से आता है और दूसरा फैक्टर पिता की तरफ से आता है। मतलब किसी भी जीव का जो गुण होता है वो दो फैक्टर पर निर्भर करता है, जिनमें से एक फैक्टर माता की तरफ से और दूसरा पिता की तरफ से आता है। दूसरा में है कि दोनों फैक्टर आपस में घुलता मिलता नहीं है, दोनों फैक्टर अलग अलग रहता है। यानी दोनों, जो माता और पिता दोनों की तरफ से जो फैक्टर आया वो जीवों में घुलता मिलता नहीं है, दोनों अलग अलग रहता है और समय पड़ने पर वो अगली पीढ़ियों में पुनः जाके अलग अलग हो जाता है। तीसरे सिद्धांत को देखिए कि अगर एक कारक प्रभावी रहा और दूसरा कारक अप्रभावी, मतलब मान लिया जाए कि ये माता का जो फैक्टर है वो प्रभावी रहा और पिता का अप्रभावी रहा, तो अगली पीढ़ी में जो गुण होगा वो प्रभावी वाला गुण होगा, यानी माता वाला गुण उसमें आएगा। परंतु यदि चौथा निष्कर्ष में देखिए कि यदि दोनों कारक प्रभावी रहा, मतलब माता का भी प्रभावी रहा और पिता का भी प्रभावी रहा, तो अगली पीढ़ी में जो गुण होगा वो प्रभावी वाला होगा। परंतु यदि दोनों कारक अगर अप्रभावी रहता है तो अगली पीढ़ी में अप्रभावी वाला गुण होगा। तो इस प्रकार से मेंडल ने जो निष्कर्ष निकाले, और इन निष्कर्षों के आधार पर मेंडल ने तीन नियम का प्रतिपादन किया। अभी हम उन तीन नियमों से पहले हम दूसरे प्रयोग को देखेंगे। दूसरा प्रयोग क्या था? तो दूसरा प्रयोग में इस बार मेंडल ने दो गुण वाले मटर के पौधे को लिया। दो गुण वाले मटर के पौधे को लिया। दो गुण कौन कौन थे? तो एक तरफ थे गोल बीज और पीला फूल, मतलब राउंड सीड और येलो फ्लावर। दूसरी तरफ झुर्रीदार बीज और हरा फूल। दो दो गुण को लिया गया और दो दो गुण को लेने के बाद दोनों का संकरण कराया गया। और दोनों का जब संकरण कराया गया तो प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे गोल बीज एवं पीले फूल वाले प्राप्त हुए, मतलब सभी पौधे इस टाइप के हो गए हैं, गोल बीज और पीले फूल। तो यहां इससे क्या हुआ कि गोल बीज और पीला फूल, मतलब इसका जो गुण था वो प्रभावी हो गया और इसका गुण जो है वो अप्रभावी रह गया। मतलब गोल बीज और पीला फूल, इसका गुण डोमिनेंट हो गया और झुर्रीदार बीज और हरा फूल का जो गुण जो इस साइड में है उसका रिसेसिव रह गया। और द्वितीय पीढ़ी में जब ये प्रथम पीढ़ी के जो पौधे थे इनको पुनः आपस में संकरण कराया, पुनः जो है सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराया प्रथम पीढ़ी के पौधे के प्रथम पीढ़ी के पौधे के साथ, और उनसे जो दूसरा पीढ़ी के पौधे प्राप्त हुए, तो दूसरी पीढ़ी के पौधे में, यहां जो प्रथम पीढ़ी में हम बात कर रहे थे कि ये जो गोल बीज और पीला फूल है इसका गुण प्रभावी हो गया, डोमिनेंट हो गया, जिसके कारण सभी पौधे जो है गोल बीज और पीले फूल वाले प्राप्त हुए, और जबकि झुर्रीदार बीज और हरा फूल के पौधे अप्रभावी रह गए, जिसके कारण इसका गुण जो है प्रथम पीढ़ी के पौधे में प्रकट नहीं हुए। परंतु द्वितीय पीढ़ी में देखिए जाके क्या होता है, दूसरी पीढ़ी में क्या होता है कि
जो झुर्रीदार बीज और हरा फूल के जो गुण थे वह भी डोमिनेंट हो जाता है। और इस तरह से यहाँ चार प्रकार के पौधे प्राप्त होते हैं, द्वितीय पीढ़ी में चार प्रकार के पौधे प्राप्त होते हैं। चार प्रकार के पौधे किस प्रकार के हैं? तो गोल बीज और पीला फूल, जस्ट इसके जैसा नौ पौधे प्राप्त होते हैं। इसका कारण है कि शुरू में यह गुण डोमिनेंट रहा था, इस वजह से इसकी संख्या अधिक है। उसके बाद झुर्रीदार बीज और पीला फूल, मतलब ये झुर्रीदार और इधर पीला फूल, ये दोनों मिलके एक अलग प्रकार का पौधा बना जिसकी संख्या तीन, मतलब अनुपात जो है वो तीन था। उसके बाद गोल बीज और हरा फूल, मतलब ये वाला गोल बीज और इधर वाला हरा फूल दोनों मिल गया और दोनों मिलके एक नया प्रकार का पौधा बना जिसकी संख्या तीन थी। और उसके बाद झुर्रीदार बीज और हरा फूल, ये वाला शुद्ध रूप से झुर्रीदार बीज और हरा फूल, इस प्रकार के पौधों की संख्या एक हुई और कुल जो है 16, यानी 16 पौधों को देखा जाए तो इस अनुपात में थे, 9:3:3:1। और यह फिनोटाइप अनुपात था, फिनोटाइप मतलब बाहर से देखने के बाद ऐसा लग रहा था, परंतु अगर हम जीनोटाइप अनुपात की बात करें तो इसके अंदर भी कई कैटेगरी थे, ठीक है। और जीनोटाइप अनुपात इस प्रकार से हम देख सकते हैं, 1:2:1:4:2:1:2:1 ये आपका जीनोटाइप अनुपात था। अब ये बहुत लंबा है, याद रखने में थोड़ा सा मुश्किल होता है, परंतु इसका एक कोड हमने बनाया है कि सीधा जो है यहाँ देखिए 121, और 121 का दुगना होता है 242, और पुनः फिर 121, मतलब इसको याद रखने का ये सबसे आसान तरीका है कि 121 242 121 121 242 121, और कुल मिला के जोड़ेंगे तो ये 16 पौधे होते हैं। तो ये जीनोटाइप अनुपात था। इस प्रयोग को हम चित्र के माध्यम से समझेंगे, और उस चित्र को जब समझ लिए तो समझिए कि मेंडल को पूरी तरह से समझ लिए। मेंडल के दूसरे प्रयोग को हम अब चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो ये देखिए मेंडल का दूसरा प्रयोग जो है, इसमें दो प्रकार के गुणों को रखा गया है। पहला गुण था गोल बीज एवं पीला फूल, जिसको हम सूचित कर रहे हैं RR, राउंड सीड और येलो फ्लावर। उसी प्रकार दूसरे तरफ रखे गए झुर्रीदार बीज एवं हरा फूल, मतलब इसको कैपिटल, इधर कैपिटल R से सूचित किए थे, इधर स्मॉल R, तो स्मॉल R और ये हरा फूल, हालांकि यहाँ होना चाहिए G, परंतु समानता दर्शाने के लिए इसको हम स्मॉल Y से सूचित किए, स्मॉल RR, स्मॉल YY। इन दोनों के बीच जब संकरण कराए तो प्रथम पीढ़ी में संकरण के फलस्वरूप, अगर हम प्रथम पीढ़ी की बात करें, प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे वो गोल बीज और पीला फूल वाले होंगे। इन दोनों का जब संकरण हुआ तो प्रथम पीढ़ी में, ये प्रथम पीढ़ी में क्या हुआ कि सभी फूल गोल बीज और सभी जो पौधे हैं गोल बीज और पीला फूल वाले हो गए। अब प्रथम पीढ़ी के पौधों को पुनः आपस में पुनः संकरण कराया गया, तो चूंकि यहाँ पर गोल बीज और पीला फूल थे लेकिन दोनों तरफ के फैक्टर मिले थे, इसलिए इसको विभिन्न कलर से डिफ्रेंशिएट करने के लिए दर्शाया गया, और इसी को फिर यहाँ लिया गया और इसी को फिर यहाँ लिया गया। प्रथम पीढ़ी के पौधों को जब आपस में पुनः संकरण कराया गया तो अब जो है चार प्रकार के पौधे प्राप्त हुए, वो इस प्रकार थे, गोल बीज और पीला फूल वाले 9, गोल बीज हरा फूल 3, झुर्रीदार बीज और पीला फूल 3, और झुर्रीदार बीज और हरा फूल 1, मतलब 9:3:3:1 के अनुसार से पौधे प्राप्त हुए द्वितीय पीढ़ी में। द्वितीय पीढ़ी में इस अनुपात में पौधे प्राप्त हुए, तो यह एक बाहरी संरचना था पौधे का, इसलिए इसे हम फिनोटाइप रेशियो कहते हैं। और अगर इसको जेनेटिक रेशियो की बात करें तो जैसा पहले स्लाइड में हमने बताया था 1:2:1:2:4:2:1:2:1:4
वन, मतलब इसको अगर कोड में याद रखें तो 121, 242 और 121, ये जेनेटिक अनुपात था। अब हम देखेंगे कि ये जो रेशियो है इसकी जटिलता को हम सुलभ करके समझेंगे, और इसके लिए हम एक बॉक्स बनाएंगे और उस बॉक्स में देखेंगे कि जब हम प्रथम पीढ़ी के पौधों को, प्रथम पीढ़ी तक तो यहाँ आसानी से समझने में कोई दिक्कत नहीं है, परंतु प्रथम पीढ़ी का जब कराया गया और दो गुण इधर से दो गुण इधर से, कुल मिला के चार गुण हो जा रहे हैं, और चार गुणों को जब आपस में मिलाया गया और ये जो रिजल्ट प्राप्त हुआ, इस रिजल्ट को हम देखने के लिए एक बॉक्स का सहारा लिए हैं और उस बॉक्स के माध्यम से हम समझेंगे कि किस प्रकार से इसको हम प्राप्त हुए हैं। तो देखिए, नजर डालिए, प्रथम पीढ़ी में तो गोल बीज और हरा फूल, दूसरी तरफ झुर्रीदार बीज, पहली तरफ गोल बीज और पीला फूल और दूसरी तरफ झुर्रीदार बीज और हरा फूल को रखा गया। प्रथम पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त हुए और उसको जब आपस में संकरण कराया गया तो द्वितीय पीढ़ी में किस प्रकार के रिजल्ट प्राप्त हुए, तो जो रिजल्ट प्राप्त हुए उसको हम इस बॉक्स के माध्यम से देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो हम देखे थे कि दो प्रकार के युग्मक थे, आर आर वाई और वाई, इसको हम इस तरह से डिफ्रेंशिएट कर दिए युग्मक में। एक तरफ हम आर आर को रखें, अगर इसी को फिर से इससे गुना कर देते हैं, आर आर वाई और वाई, तो अगर इस आर और इस आर को ले लें ये दोनों, तो ये दोनों को हम यहाँ रख लिए एक तरफ, और अगर इस आर और वाई को रख लें तो यहाँ ले लिए, और फिर जो है इसी प्रकार यहाँ ले लिए और फिर इसी प्रकार यहाँ ले लिए, और ठीक उसको चूँकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराना है तो फिर उसी चीज को यहाँ पर लिख दिए। अब देखना है कि इसका रिजल्ट कैसे हुआ। तो ये आर वाई और ये आर वाई मिला तो इस प्रकार का आया, दोनों युग्मक मिला। अब ये आर वाई और ये आर वाई मिला तो इस प्रकार का हुआ, ये आर वाई और ये आर वाई मिला तो इस प्रकार का हुआ, ये आर वाई और ये आर वाई हुआ तो इस प्रकार का हुआ। इसी प्रकार से अगर इसको इसके साथ इस तरह से अगर कराते गए तो इस प्रकार का बॉक्स बना। इनमें से एक चीज गौर करने वाली बात है कि इसमें चार बॉक्स को देखें तो P4 प्योर, एक ये, ये, ये और ये सभी प्योर पौधे हैं जिनमें किसी प्रकार का अशुद्धता नहीं है और एक प्रकार से इसमें मिलावट है। और दूसरी तरफ इसके अलावे जितने भी पौधे हैं सभी अनप्योर प्राप्त हुए, मतलब उसमें मिक्सिंग है, हरा फूल का, पीला फूल का, झुर्रीदार बीज का, गोल बीज का, इस प्रकार से मिक्सिंग है। तो अगर हम इसका रिजल्ट के रूप में देखें, फिनोटाइपिक रेशियो की अगर बात करें तो इस बॉक्स में हम ये जो समीकरण यहाँ है इसको पूरी तरह से देख सकते हैं, यानी गोल बीज पीला फूल वाले 9 पौधे, गोल बीज हरा फूल वाले 3 पौधे, झुर्रीदार बीज और पीला फूल वाले 3 पौधे, और झुर्रीदार बीज और हरा फूल वाले 1 पौधे। तो सबसे पहले देखिए, चूँकि ये दोनों जो है वो गोल बीज और पीला फूल के युग्मक हैं, और इसके अतिरिक्त तो इसको पहले ढूंढ लेते हैं कहाँ है गोल बीज और पीला फूल वाले। तो जहाँ जहाँ भी है, सबसे पहले तो ये है गोल बीज और पीला फूल, इसके अतिरिक्त देखिए ये गोल बीज पीला फूल, हालांकि ये मिक्सचर है परंतु जहाँ भी कैपिटल वाई होगा उसको हम रखेंगे। तो ये चूँकि इसका सिंबल हमने इस तरह से दिखाया था वृत्त के अंदर बिंदु, तो ये हो गया। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं और यहाँ भी देख सकते हैं, इसके अलावा यहाँ और यहाँ, इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 जो पौधे हैं वो गोल बीज और पीला फूल के हैं। अब आते हैं गोल बीज और हरा फूल। तो गोल बीज और हरा फूल, गोल बीज मतलब ये युग्मक और हरा फूल में क्या होगा तो वाई युग्मक रहेगा। तो इसको देख लीजिए, इसको सूचित त्रिभुज से किए हैं, तो इसमें देखिए ये शुद्ध रूप से गोल बीज हरा फूल हो गया,
परंतु दो और देखिए, एक हो गया यहां पर ये गोल बीच, क्योंकि यहां पर गोल बीच डोमिनेंट कर रहा है और यहां पर हरा फूल डोमिनेंट कर रहा है, तो एक ये हो गया और एक यहां पर है, गोल बीच डोमिनेंट कर रहा है और हरा फूल यहां पर डोमिनेंट कर रहा है, तो ये तीन, एक दो और तीन, ये तीन जो हो गए गोल बीज और हरा फूल वाले हो गए। अब हम लोग देखेंगे झुर्रीदार बीज और पीला फूल। तो झुर्रीदार बीज सबसे पहले इसमें ये आ जाइए, ये बिल्कुल शुद्ध है, यहाँ पर जो झुर्रीदार बीज है वो डोमिनेंट कर रहा है और पीला फूल यहाँ डोमिनेंट कर रहा है। और इसी तरह से मिक्सर में अगर देखें तो एक यहाँ पर आ जा रहा है जो कि झुर्रीदार बीज डोमिनेंट कर रहा है और यहाँ पर दो वाई है, कैपिटल और स्मॉल वाई, परंतु जो है यहाँ कैपिटल वाई, कैपिटल वाई का मतलब हुआ कि पीला फूल डोमिनेंट कर रहा है। तो एक दो तीन, ये तीन जो पौधे हैं वो झुर्रीदार बीज और पीला फूल को डिनोट करता है। और मात्र एक पौधे जो यहाँ बच गया, जिस जो कि बिल्कुल शुद्ध रूप में है, इसमें बिल्कुल देखिए झुर्रीदार बीज और हरा फूल, तो ये एक पौधे जिसको हमने इस सिंबल से दर्शाया था तो ये यहाँ पर आ गया। तो इस तरह से ये फिनोटाइपिक रेशियो हो गया। अगर जीनोटाइपिक रेशियो की बात करें तो जीनोटाइपिक में देखिए एक, ये एक और ये एक यहाँ पर है बिल्कुल शुद्ध है और यहाँ पर देखिए बिल्कुल शुद्ध है। इसके अलावा एक यहाँ है और एक यहाँ है, इसकी शुद्धता की बात करें तो एक देखिए ये बिल्कुल शुद्ध है, किसी प्रकार का मिलावट नहीं है, और एक यहाँ पर शुद्ध है, किसी प्रकार का मिलावट नहीं है, दो गुण यहाँ पर बिल्कुल जो है अलग अलग है, क्योंकि ये मेंडल के नियम के अनुसार हो रहा है, आगे हम बताएंगे। और उसके अतिरिक्त अगर ये दो पौधे की बात करें तो दो पौधे आपको कहीं ना कहीं मिलेंगे, जैसे इसको देख लीजिए, ये बिल्कुल जो है दोनों का जो सम्मिश्रण है एक समान है, दो हो गए। इसके अलावा फिर चार, तो चार अगर हम देखें तो एक इसको रख लीजिए, एक इसको रख लीजिए, एक इसको रख लीजिए और एक इसको रख लीजिए, देखिए एक समान है ये चारों, तो ये चारों जीनोटाइपिक रेशियो के अंतर्गत यहाँ आ गए। फिर हम दो को देखते हैं, तो दो को देख लीजिए, एक इसका मिल रहा है और एक इसका मिल रहा है, तो ये दोनों समान है, तो ये दो हो गया। और एक और दो जो बच गया है वो एक और दो, वो यहाँ से हम देख सकते हैं, यहाँ और यहाँ ये समान है। तो इस तरह से जीनोटाइपिक रेशियो को भी इस चार्ट के माध्यम से हम देख सकते हैं। यह चार्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा दिमाग लगाने के बाद यह चार्ट आराम से बन सकता है। इसको बना के इसको आप कॉपी में उतार लीजिए, इसको देखिए और समझिए। अब चलेंगे कि ये जो दोनों प्रयोग था, पहला प्रयोग जिसमें कि एक एक गुणों को लिया था, दो पौधे को संकरण करवाया था, और दूसरे में जो दो जोड़ी गुणों को लेकर जो दूसरे प्रयोग में करवाया था, उसके आधार पर मेंडल का जो सिद्धांत है उसको हम देखते हैं। तो आइए अब मेंडल के तीन नियम को हम समझते हैं। तो पूर्व के जो प्रयोग हुए थे, पहला प्रयोग और दूसरा प्रयोग, इसके आधार पर मेंडल ने तीन नियम बनाए। तो तीन नियम क्या क्या है इसको देखिए, मेंडल का जो तीन नियम है, तो पहला नियम है प्रभाविकता का नियम, मतलब लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम, मतलब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और तीसरा नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो सबसे पहले हम पहला नियम की बात करेंगे। तो पहला नियम में क्या है कि जैसा कि मेंडल के हम प्रयोगों में देखे थे कि दो फैक्टर को जब आपस में मिलाया जा रहा था तो उसमें से एक फैक्टर जो है वो प्रभावी हो जा रहा था और दूसरा फैक्टर अप्रभावी रह जा रहा था। तो मेंडल का जो पहला नियम है प्रभाविकता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, वो यही कहता है कि जिस फैक्टर का गुण प्रभावी होगा वही फैक्टर, वही गुण आगे की पीढ़ियों में जाके प्रकट होगा। जो गुण प्रभावी होगा वो आगे की पीढ़ी में जाके प्रकट होगा, और जो गुण दबा रह जाएगा, रिसेसिव रह जाएगा, वह गुण प्रकट नहीं होगा। ये प्रभाविकता का नियम कहता है। दूसरा नियम में क्या कहता है कि जब माता और पिता दोनों तरफ से दो कारक आते हैं, दो फैक्टर आते हैं, तो दोनों जो है आपस में घुलता मिलता नहीं है, दोनों अलग अलग हो जाता है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यही कहता है कि जब माता के तरफ से जो गुण आते हैं और पिता के तरफ से जो आते हैं, तो जो जायगोट बनता है, जो युग्मक बनता है, तो दोनों अलग अलग रहता है।
और यही अलग अलग रहने के वजह से वो अगली पीढ़ियों में जाके वो अलग अलग रूप से बंटकर और सेग्रीगेट हो जाता है, मतलब अलग अलग दिशा में चले जाता है। यही कारण है कि प्रथम पीढ़ी में अगर कोई गुण रिसेसिव रह गया तो अगली पीढ़ी में जाके वो डोमिनेंट हो सकता है। यानी माता का और पिता का गुण में से किसी एक का गुण अगर दबा रह गया तो अगली पीढ़ी में जाके प्रकट हो सकता है। तो ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का नियम कहता है। और तीसरा नियम है स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। तो इसमें है जीवों का जो अलग अलग लक्षण है, मान लिया जाए किसी जीव के 7, 8, 9, 10 जितने भी लक्षण हैं तो सब अलग अलग इकाई के रूप में काम करते हैं। जैसा कि हम दूसरा प्रयोग में देखे थे कि किस तरह से झुर्रीदार बीज गोल बीज के साथ मिल जा रहा था, जबकि झुर्रीदार बीज और हरा फूल को एक तरफ हम रखे थे और दूसरी तरफ जो था वो गोल बीज और पीला फूल था। लेकिन ये जो चार कैरेक्टर को देखे, जो दो जोड़ी गुणों को हम देखे, तो दोनों गुण कैसे कैसे अलग होकर और एक दूसरे से मिल गए थे जिसके कारण से चार प्रकार के पौधे प्राप्त हुए थे। तो स्वतंत्र अव्यूहन का नियम यही कहता है कि प्रत्येक लक्षण अलग अलग इकाई के रूप में कार्य करता है और वह जब आपस में जब युग्मक होता है, जब संकरण होता है, तो कोई भी गुण किसी दूसरे गुण के साथ जाके मिल सकता है और इस तरह से कई प्रकार के पौधे प्राप्त हुए। तो ये स्वतंत्र अव्यूहन का नियम है। अब हम बात करेंगे, नियम तो समझ गए, अब हम बात करेंगे कि मानव जनसंख्या पर मेंडल की क्या उपयोगिता है और मेंडल की सिद्धांत में क्या कुछ कमी रह गई थी जिसकी कि बाद में आलोचना की गई। मानव जनसंख्या पर मेंडलवाद के सिद्धांत की उपयोगिता की अगर बात करें तो इसके लिए हमने कुछ पॉइंट बनाया है, कुल मिला के 11-12 पॉइंट हो जाएंगे। तो इनमें से सबसे पहला जो पॉइंट है वह है लिंग निर्धारण, यानी सेक्स डिटर्मिनेशन, या मेंडेलियन सिद्धांत पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए जैसे अगर मानव को ले लें तो मानव में 46 क्रोमोजोम होता है, 46 क्रोमोजोम, या इसको हम 23 जोड़ा भी कह सकते हैं। तो 23 जोड़ा में से जो 22 जोड़ा होता है, तो 22 जोड़ा होता है ऑटोसोम और एक जोड़ा जो होता है वो सेक्स क्रोमोजोम होता है। 22 जोड़ा ऑटोसोम होता है, एक जोड़ा सेक्स क्रोमोजोम होता है। 46 में अगर हम देखें तो 44 जो होते हैं वो ऑटोसोम होते हैं और दो जो है वो सेक्स क्रोमोजोम होते हैं। तो सेक्स क्रोमोजोम की अगर हम बात करें, सेक्स डिटर्मिनेशन अगर करना हो तो मान लिया जाए कि ये मेल है और इधर फीमेल है, तो हम जानते हैं कि जो क्रोमोजोम में अंतर होता है वह जो है पुरुषों में होता है, मेल में होता है, और फीमेल में जो होता है सिर्फ एक्स एक्स क्रोमोजोम होता है। तो इस तरह से अब डिपेंड करता है कि ये और ये मिला, या फिर ये और ये मिला, या फिर ये और ये मिला, या फिर ये और ये मिला, चार स्थितियां बनती हैं। तो इन चारों स्थितियों में देखें कि अगर एक्स और वाई मिल रहा है यहाँ पर तो बच्चा मेल होगा, अगर एक्स एक्स मिल रहा है तो फीमेल होगा। तो इस प्रकार से जो लिंग निर्धारण का जो कार्य होता है वो मेंडेलियन सिद्धांत पर डिपेंड करता है कि लिंग निर्धारण में ये जो क्रोमोजोम है तो उसमें बाई क्रोमोजोम की अधिक भूमिका हो। रक्त समूह की अनुवांशिकता की बात करें तो रक्त समूह की अनुवांशिकता से हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि अगर माता का रक्त समूह अमुक है और पिता का रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप अमुक है तो बच्चे में क्या संभावना बनती है। तो अगर जो है माता पिता का रक्त समूह ओ है और माता का रक्त समूह बी है, तब फिर इस स्थिति में हम देखेंगे कि संतानों की जो रक्त समूह ओ या बी होने की पूरी संभावना रहेगी। परंतु अगर जो है पिता का ओ है और माता का ए है तब फिर यहाँ संभावनाओं में बढ़ जाएगा, 50% ओ होने की संभावना रहेगा, 25% ए और 25% बी, ए बी। तो इस प्रकार से जो संभावना है इसका एक चार्ट होता है, आप मेंडल के सिद्धांत में भी देख सकते हैं या जहाँ भी आनुवांशिक
थ्योरी दिया गया है, तो उस चार्ट पर डिपेंड किया जाता है कि अगर माता का ब्लड ग्रुप अमुक है और पिता का ब्लड ग्रुप अमुक है तो बच्चों में क्या संभावना बनती है और किस ग्रुप की संभावना बिल्कुल नहीं बनती है। तो इस प्रकार से यह जो है अनुवांशिकता, रक्त की अनुवांशिकता तय करता है कि माता पिता के यदि ब्लड ग्रुप फलाना फलाना है तो फिर बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा। इसमें कानूनी महत्व है। कानूनी महत्व के अंतर्गत हम मेंडेलियन सिद्धांत के आधार पर किसी बच्चे के माता पिता को हम ज्ञात कर सकते हैं। आपको याद होगा कि किस तरह से जो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री थे नारायण दत्त तिवारी, उनके और उनके एक पुत्र थे शेखर, तो पैतृकता संबंधी विवाद हुआ था, अंततः कोर्ट के माध्यम से, और यही मेंडेलियन सिद्धांत के द्वारा जो उसका जेनेटिक सेटअप को जांच किया गया था, जेनेटिक सेटअप को जांच करने के बाद और यह निर्धारित किया गया था कि वास्तव में वे दोनों पिता पुत्र हैं। तो किसी भी बच्चे का अगर हम जानना है कि उनके वास्तविक माता पिता कौन हैं तो जान सकते हैं, और कानून में इसके लिए बहुत स्कोप है, कानूनी मदद, कानून को इससे मदद मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट आइए, चिकित्सीय उपयोग। और चिकित्सीय उपयोग में क्या होता है कि इसमें उस प्रकार की बीमारी का इलाज किया जाता है, जैसे मान लिया जाए कि ब्लड ग्रुप के आधार पर अगर पिता है और पिता का ब्लड ग्रुप जो RH फैक्टर है उसका वो प्लस है और माता का RH माइनस, तो चिकित्सीय उपयोग में इसको क्या, इसमें होता क्या है कि जब दोनों का जो संतान होगा तो इसमें क्या होगा कि दोनों अलग अलग ग्रुप का ब्लड रहने के कारण एक प्रकार की स्थिति आती है जिसको कहा जाता है इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटलेस। तो इसमें क्या होता है कि बच्चा की मृत्यु हो जाती है। हालांकि प्रथम डिलीवरी के समय ऐसा नहीं होता है, क्योंकि तब तक जो एंटीबॉडी बनना शुरू होता है तो प्रथम बच्चे तक तो उतना एंटीबॉडी विकसित नहीं हो पाता है, जिसके कारण पहला बच्चा सही सलामत आ जाता है, परंतु दूसरी बार यह समस्या होता है कि एंटीबॉडी बन जाने के कारण बच्चे में ब्लड क्लॉट हो जाता है, अब ब्लड क्लॉट हो जाने के कारण दूसरी बच्चे की मृत्यु हो जाती है। तो ये मेंडेलियन सिद्धांत के अनुसार इस चिकित्सीय उपयोग में दोनों का ब्लड ग्रुप जाँच कर और देखा जाता है कि अगर यह स्थिति उत्पन्न हो रही है तो इसमें RH का इंजेक्शन लगाया जाता है, जिससे वो जो इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटलेस की संभावना है, क्योंकि बच्चे का जो संबंध है वो प्लेसेंटा से जुड़ा रहता है, डायरेक्ट जो है मदर के ब्लड से कनेक्टेड रहता है और मदर का ब्लड का आदान प्रदान होते रहता है, तो उससे जो इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटलेस जो की स्थिति जो उत्पन्न होती है तो उसको जो है यहाँ पर ठीक किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अनुवांशिक बीमारियों की वंशागति, तो कई प्रकार के जैसे बीमारी होते हैं, हीमोफीलिया है, कलर ब्लाइंडनेस है, तो ये अनुवांशिक बीमारी है और ये पीढ़ी दर पीढ़ी अनुवांशिक रूप से गमन करता है। तो इसको हम मेंडेलियन सिद्धांत के आधार पर माता पिता या उसके ऊपर की पीढ़ियों से ये बीमारी जो गमन करता आ रहा है तो इसको हम जान सकते हैं और उसका उचित इलाज खोजा जा सकता है। वंशावली चार्ट का निर्माण में भी इसकी बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि वंशावली चार्ट के माध्यम से भी हम बीमारियों का इलाज करते हैं, जानते हैं, समझते हैं। उसके बाद कई प्रकार के जो अनुवांशिक बीमारी है उसकी वंशागति, ये तो हो गया। फिर जो है हम देखें तो इसका सुप्रजनन शास्त्र में इसका बेहद उपयोग है। सुप्रजनन शास्त्र क्या होता है कि अच्छे नस्ल के अच्छे मतलब निरोग होनहार बच्चे को जन्म देने की प्रक्रिया जो है वो सुप्रजनन शास्त्र कहलाते हैं। सुप्रजनन शास्त्र में दो प्रकार के उपयोग किए जाते हैं, एक सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक। सकारात्मक उपयोग के अंतर्गत जो श्रेष्ठ गुणों वाले माता पिता हैं उनको बच्चे जन्म देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, ताकि अच्छे नस्ल के अच्छे होनहार और बीमारी रहित जो है बच्चे पैदा हों, जबकि जो खराब जिनके होते हैं, जिनके माता पिता में कुछ व्याधि रहता है, विकार रहता है और वो बच्चों में भी ट्रांसमिट होने की संभावना रहती है, तो ऐसे माता पिता को बच्चे जन्म देने से हतोत्साहित किया जाता है। उसके बाद जनसंख्या अनुवांशिकी पर भी यह काम करता है, यानी अगर किसी को हम देख लिया जाए कि किसी जनसंख्या में अगर पूरा फ्री छोड़ दिया जाए जो प्रजनन हेतु,
तो उसमें जो जीन पूल बनता है, तो जीन पूल के माध्यम से उस जो पॉपुलेशन जेनेटिक्स है उसका अध्ययन किया जाता है, उस आधार पर वहाँ की आबादी का पूरा सर्वेक्षण किया जाता है। इसके अलावा देखिए, मेंडेलियन सिद्धांत के आधार पर पौधों और पशुओं की अच्छी नस्ल का विकास किया जाता है, ताकि उन पौधे या फसलों या पशुओं की अच्छी प्रजाति का विकास हो, उसको अधिक उपज देता हो, दुधारू पशुओं का विकास, अधिक दूध ऊन और मांस देने वाले पशु पक्षियों का विकास, अत्यधिक उपज देने वाले फसलों का विकास, और साथ ही यह निरोग हो, बाढ़ निरोधी हो, सुखाड़ निरोधी हो, क्षार निरोधी हो, कीट निरोधी हो, इस प्रकार के फसलों का भी विकास किया जाता है मेंडेलियन सिद्धांत के आधार पर। इसके अलावा देखिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है? तो किसी भी व्यक्ति की पहचान सुनिश्चित करने के लिए, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हम अंगूठे का निशान लगाते हैं और हर व्यक्ति का अंगूठा का निशान अलग अलग होता है, उसी प्रकार हमारे डीएनए का पैटर्न भी अलग अलग होता है। हालांकि सारे मनुष्यों का लगभग 99.9% जो जीन होते हैं वो समान होते हैं, परंतु जो थोड़ी सी असमानता है उसी से हम अलग अलग व्यक्तियों की विशिष्ट पहचान निर्धारित कर सकते हैं। और यह जो है, जो थंब इम्प्रेशन या उंगलियों का हमारा जो छाप है, इस छाप से ज़्यादा कहीं सटीक होता है। और इसका खास करके जो क्रिमिनल साइंस है, अपराध विज्ञान की शाखा, उसमें उपयोग किया जाता है, क्योंकि कई प्रकार के अपराधियों की पहचान करने के लिए इसका दो तरह का किया जाता है। जैसे एक तो साइट से लिया जाता है, जहाँ से मान लिया जाए किसी अपराधी कोई अपराध करके भागा, तो वहाँ से जो उसके नमूने किसी प्रकार के मिले, बाल, त्वचा के किसी प्रकार का सेल वगैरह, कपड़े या जो कुछ भी, तो वहाँ से एक सेल का नमूना लिया जाता है और जिस व्यक्ति पर शक हो उसको लिया जाता है, और दोनों के डीएनए को इलेक्ट्रोफोरेंसिस विधि के माध्यम से उसको अलग अलग किया जाता है, और फिर से उसको दोनों जब मैच कर जाता है तब एक तरह से ये पुष्टि हो जाती है एक दोनों व्यक्ति अमुक व्यक्ति दोनों एक ही है। और इस प्रकार से जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है वो अपराध विज्ञान में काफ़ी काम आता है। इसके अलावा देखिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? तो ये किसी भी विशिष्ट जीन को किसी अन्य जीवों में ट्रांसप्लांट करके और उसके जो गुण धर्म है उसको बदल कर और मानव कल्याण हेतु जो लाभदायक उत्पाद की प्राप्ति की जाती है, तो वह प्रक्रिया जेनेटिक इंजीनियरिंग है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से किसी खास जीन को जीवाणु के माध्यम से जीवाणु के शरीर में प्रवेश कराया जाता है और फिर जो है वहाँ उसका डीएनए का रेप्लिकेशन कराया जाता है, और रेप्लिकेशन कराने के बाद किसी खास जीव में उसको प्रवेश करा दिया जाता है। तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से जो अच्छे नस्ल के पशु है, अच्छे नस्ल के फसलें हैं, या किसी बीमारी को इलाज के लिए अगर कोई जेनेटिक संरचना में गड़बड़ी है तो उसको ठीक करने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा देखिए, एमिनो संस्करण। तो एमिनो संस्करण के माध्यम से क्या किया जाता है? माता के गर्भ से बच्चे को के जो है वो नमूने निकाल कर सिरिंज के माध्यम से, और उसमें कई प्रकार के बीमारियों का पता किया जाता है, उसका लिंग परीक्षण भी किया जाता है, और जैसे डाउन सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है, इस प्रकार के बीमारियों का पता लगाया जाता है। तो इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो कई चीज़ें हैं जो मेंडेलियन सिद्धांत के अनुसार से फॉलो करता है। जैसे किसी भी व्यक्ति का त्वचा का रंग अपने माता पिता पर जाता है, कोई भी व्यक्ति जो गंजापन की स्थिति होती है या बाल घुंघराले होते हैं या और कई सारे गुण जो है मिलते हैं, कई लोगों का उंगली का पैटर्न भी जो है वो माता पिता से फॉलो करता है, थोड़ा बहुत अंतर होता है, हाथों की रेखा भी माता पिता से मिलता जुलता है, इसके अतिरिक्त कुछ व्यवहार और कुछ आदतें भी माता पिता से गमन करता है। तो ये सारे जो है मेंडेलियन सिद्धांत का महत्व था। अब हम बात करेंगे आलोचना की। तो आलोचना में अगर हम देखें तो मेंडल के सिद्धांत की जो सबसे ज़्यादा आलोचना हुआ वह इस बात को लेकर हुआ कि माता पिता के जो दोनों जो गुण आते हैं, तो दोनों में से जिसका प्रभावी होगा उसका गुण प्रकट होगा और जिसका अप्रभावी होगा उसका गुण दबा हुआ रह जाएगा। लेकिन परंतु कई बार प्रयोगों से यह देखा गया कि सफ़ेद मुर्गा का संकरण अगर काली मुर्गी से कराया गया तो उसका बच्चा जो है भूरा निकल गया।
तो वो ना तो माता की तरह हुए ना पिता की तरह हुए। उसी प्रकार अगर कई बछड़े, जैसे कि सफ़ेद जो है बैल और काली गाय के बीच संकरण कराया गया तो बछड़ा जो है वो दूसरा कलर का निकल गया। तो इस प्रकार से मेंडल के सिद्धांत की आलोचना हुई, क्योंकि ये पूरी तरह से वहाँ पर मैच नहीं खा रहा था। अब क्यों नहीं खा रहा था? मेंडल के सिद्धांत की अगर दूसरी आलोचना देखें तो जो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम था, जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का नियम था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो उसमें कहा गया था कि सभी जो गुण होते हैं वो अलग अलग स्वतंत्र इकाई के रूप में रहते हैं और कहीं से किधर भी मिल सकते हैं। परंतु कई बार यह देखा गया कि वो गुण जो है वो आपस में घुल मिल जाते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के भी आधार पर कहा गया था कि माता पिता दोनों तरफ से जो फैक्टर आते हैं वो दोनों घुलते मिलते हैं, लेकिन वास्तव में क्या होता है कि जो अर्धसूत्री विभाजन के समय में देखते हैं, जो कि जनन कोशिकाओं में होता है, तो अर्धसूत्री विभाजन के समय दोनों तरफ के जो गुण हैं तो वो गुण तो अलग रहते हैं, परंतु उसमें जेनेटिक मटेरियल जो होता है अर्धसूत्री विभाजन के समय, तो जेनेटिक मटेरियल का आदान प्रदान हो जाता है। और यही कारण है कि बच्चा ना तो बिल्कुल पिता की तरह और ना ही बिल्कुल माता की तरह, बल्कि उसका एक इस धरती पर स्वतंत्र अस्तित्व होता है और वो बिल्कुल तीसरी प्रकार। हाँ, ये बात है कि थोड़ा माता पिता का शक्ल सूरत आदत व्यवहार मिलेगा, लेकिन वो बिल्कुल जो है माता पिता की तरह नहीं होगा बल्कि अलग होगा। तो ये जो विभिन्नता है, जो वेरिएशन है, आ जाता है, तो इसको जो है मेंडल अपने सिद्धांतों से नहीं समझा पाए थे। तो वास्तव में उस समय तक इतना ज्ञान नहीं था, उस समय तक उतना अर्धसूत्री विभाजन और जेनेटिक चीज़ों का खोज नहीं हुआ था। बाद में म्यूटेशन का सिद्धांत आया, जीन की संरचना खोजा गया, जिसके तहत यह देखा गया कि किस प्रकार जो है छोटा सा जीन जेनेटिक संरचना में बदलाव भी हमारे जो आचार विचार है, शक्ल सूरत, वो सब बदल सकता है। तो वो मेंडल जो है नहीं बता पाए। परंतु फिर भी अगर हम मेंडल की बात करें, मेंडल के सिद्धांत की निष्कर्ष के तौर पर, तो मेंडल का सिद्धांत अपने आप में इतना बड़ा उपयोगी है, इतना महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि इन्होंने पहली बार जो आनुवंशिकता का सिद्धांत दिया, जिससे पूरी दुनिया में यह सिद्धांत सामने स्थापित हुआ कि क्यों किसी माता पिता का गुण जो है बच्चों में फॉलो करता है और वो अगली पीढ़ियों तक लगातार गमन होता रहता है। यही कारण है कि किसी भी जीव जंतु का बच्चा जो है लगभग उसी के समान होता है, परंतु बिल्कुल उसी के समान नहीं होता है, बल्कि जो है इसमें कुछ वेरिएशन होता है और वो थोड़ा सा अलग होता है। तो ये था मेंडल का सिद्धांत, बहुत ही उपयोगी सिद्धांत था। और इसी तरह से आगे के क्लास में हम कुछ और टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।